मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने बताया कि मंडल में कोरोना मरीजों की संख्या 61 हो गई है, जिसमें 4 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा अब तक 15 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने कहा कि सभी मरीजों के इलाज की समुचित व्यवस्था की गई है, कोरोना मरीजों के इलाज में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने कहा, देखिए अभी जो मंडल की स्थिति है उसमें हमारे चारों जनपदों में 60 से ज़्यादा पॉजिटिव केस आ गए हैं। जो लेटेस्ट हमारे पास इनपुट है उसमें 61 पॉजिटिव केस हैं, और इन 61 पॉजिटिव केसेस में हमारी टोटल जो है डेथ जो अभी तक हुई है वो 4 कंफर्म डेथ हैं, और एक डेथ का हम फाइनल टेस्ट कर रहे हैं। उसी के बाद हम कह पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या स्थिति है। हमने लगभग 2000 बेड अब कमिश्नरी में रेडी कर लिए हैं। हमने अपनी बेड की जो क्षमता है उसको बढ़ा दिया है, और आशा करते हैं कि जो भी संसाधन हमें चाहिए होंगे, चाहे वो मानवीय हों, चाहे चिकित्सीय हों, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, वो हम सभी पूरी तरह से तैयार हैं, और आशा करते हैं कि हम इस संक्रमण से बचाव कर पाएंगे जनसंख्या का। जैसा कि आपको विदित है कि ये जो भी संक्रमण हुआ है पिछले 96 घंटे में, 4 से 5 दिन में, वो बाहर से आए हुए माइग्रेंट्स से ज़्यादातर रिपोर्ट हुआ है। और आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो लोग हैं स्पेशली रूरल एरियाज़ में जहाँ से ये केस आए हैं, वहाँ पर हम लोगों ने सीलिंग की कार्रवाई चारों जनपदों में की है, और हम आशा करते हैं कि लोग अपने घर के अंदर रहेंगे, सिर्फ आवश्यक सेवाओं के लिए बाहर निकलेंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगले 3 वीक हम नियंत्रण, संयम और बाहर अननेसेसरी मूवमेंट ना करें। जो आवश्यक सेवाएँ हैं, वस्तुएँ हैं, उनके लिए हमने ऑलरेडी DMs को निर्देशित किया हुआ है, वो दुकानें खोली गई हैं। लेकिन ये आप भी समझते हैं कि ये समय ऐसा है जिसमें हमें पूर्वांचल में स्पेशली इन 4 जनपदों में बहुत ज़्यादा निगरानी करने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रेन करने की आवश्यकता है। और जो भी प्रशासन कदम उठा रहा है, जो भी निर्देश दे रहा है, वो जनमानस के हित में है, और आप उनका अपने मन से पालन करें, अपने खुद से पालन करें और दूसरों को भी सिखाएं, यही आशा है। देखिए इसमें 27 डेटा नहीं रहा है, वो टोटल डेटा रहा होगा। हम क्रमशः जो डिस्चार्ज की नीति है, जो अब 12 दिन बाद अथवा यदि 3 दिन एसिम्प्टोमेटिक रहता है, जो भी उसमें लेटर डेट होती है उससे हम काउंट करते हैं, तो हम क्रमशः लोगों को रिलीज़ भी करते जा रहे हैं। और जो मेरे पास लेटेस्ट रिपोर्ट है, हम लोग 15 लोगों को डिस्चार्ज भी सक्सेसफुली कर चुके हैं। इसमें हम बस्ती मंडल के मरीज को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, मैं अपनी कमिश्नरी की बात कर रहा हूँ। सो ये क्रमिक प्रोसेस है। 61 पेशेंट इस समय BRD के LT फैसिलिटी में है। अति शीघ्र हम रेलवे का जो हॉस्पिटल है उसको खोलने जा रहे हैं, सो दैट साइमल्टेनियसली हमारी दोनों फैसिलिटी काम करेंगी। जो एसिम्प्टोमेटिक और नॉन क्रिटिकल केसेस कोविड के होंगे उनको हम प्रयास करेंगे रेलवे में रखने का, बाकी क्रिटिकल केसेस को BRD में रखेंगे, दोनों फैसिलिटी काम करेंगे। जो टोटल संख्या है उसमें से डिस्चार्ज को माइनस करके और डेथ को माइनस करके मैं प्रेजेंट एक्टिव केस आपको बता रहा हूँ। जो डेथ की बात है, इसमें टोटल जो मंडल में 4+1 5 केस बताए जा रहे हैं, उसमें 3 ब्रॉड डेड हैं। सो देखिए, हम किसी भी पेशेंट को मना नहीं कर सकते, हमारा कर्तव्य है हर पेशेंट को ट्रीट किया जाना, बट कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें कोमॉर्बिडिटी का केस है। कोमॉर्बिडिटी का मतलब ये हुआ, ये आपको प्रिंसिपल BRD अच्छे से बता पाएंगे, जिसमें पेशेंट की हेल्थ कंडीशन और पुअर डिजीज़ हिस्ट्री रही है, और उसके अनुसार उसको जब वो आता है तो वो या तो ब्रॉड डेड होता है या रस्ते में उसकी अनफॉर्चुनेट डेथ होती है। फिर भी हमारा कर्तव्य होता है कि हम उसको सैंपल टेस्ट करके देखें, उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें, यदि उसको ला रहे हैं और यदि वो पॉजिटिव है तो जो उसके साथ 4-5 लोग रहे होंगे उनको भी हम ट्रीट करने का प्रयास करते हैं। जो तीसरा केस की आप बात कर रहे हैं, मेरी आज सुबह ही बात हुई है, उसमें क्या हुआ है कि हम 2 सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं जो टेस्टिंग का है। एक CBNAT मशीन से करते हैं, CBNAT के बाद हम स्क्रीनिंग करके बाद उसको कभी कभी आवश्यकता, ये थोड़ा टेक्निकल है, आवश्यकता पड़ने पर RT-PCR से कन्फर्मेशन लेते हैं। वो स्क्रीनिंग में पॉजिटिव आया है, RT-PCR का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही हम कन्फर्मेशन कर पाएंगे। थैंक यू।